आ गए आप लोग। सो स्वागत है आपका आज के बेकिंग की पाठशाला में, जहां हम बनाने वाले एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। और आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में ये क्या है। वेल, आज की जो हमारी रेसिपी है ना, वो कोई लोफ पैन में नहीं बन रही है, बल्कि एक ट्यूब पैन में बन रही है। आप चाहो तो इसको बर्न केक में भी बना सकते हो। एंड यूजुअली आप देखोगे जो बर्न केक के पैन्स होते हैं, उसके एजेस थोड़े डिफरेंट होते हैं। सो नॉर्मल उसमें पार्चमेंट पेपर लगाना या बटर पेपर लगाना कोई आसान बात नहीं है। तो उसके लिए हम बना रहे हैं ये मैजिक फॉर्मूला, जिसका नाम है केक पैन रिलीज। बहुत सिंपल है। आपको इक्वल पार्ट, मतलब 10 ग्राम मैदा लेना है, 10 ग्राम सॉफ्ट बटर लेना है और 10 ग्राम आपको इसमें तेल लेना है। तीनों को आप रूम टेम्परेचर में मिक्स कर देंगे तो कुछ करीबन ऐसा एक स्प्रेड सा रेडी हो जाएगा, और जिससे हम हमारा टिन प्रिपेयर करेंगे। वेल, अब आप सोच रहे हो कि प्रियंका ट्यूब पैन में कौन सी रेसिपी बनाने वाले। बता रही हूँ, ट्यूब पैन में आज हम बनाने वाले हॉट मिल्क केक। सुना है कभी? सो हॉट मिल्क केक थोड़ी सी लेस पॉपुलर रेसिपी है, बट बहुत 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 डिलिशियस है। मतलब जब मैंने पहली बार हॉट मिल्क केक ट्राई किया ना, मैं तो दीवानी हो गई। आई सेड, बॉस ये रेसिपी अब तक इतनी पॉपुलर क्यों नहीं है। एंड मज़े की बात ये है, ये रेसिपी पॉपुलर पता कब हुई थी? 1911 में। इसमें भी वही मैदा, बटर, अंडे और आपका बेकिंग पाउडर, और साथ के साथ जो इसका नाम पड़ा है ना हॉट मिल्क, वो बिकॉज इसमें गर्मा गर्म दूध डाला जाता है, जिसकी वजह से ना ये केक अल्ट्रा मॉइस्ट बनता है। एंड उस वक्त कंपेयर टू जो हमारा रेगुलर बटर केक है, उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी किफ़ायती था। एंड उस टाइम चल रहा था वैसे भी ग्रेट डिप्रेशन का टाइम, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम की बात है, ऐसे ही चीज़ें कम मिल रही थी। तो उस वक्त 1911 में ये रेसिपी काफ़ी पॉपुलर हुई है। एंड आज वही रेसिपी थोड़े अपने अंदाज में, यानी प्रियंका के अंदाज में मैं लेके आई हूँ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, बट उससे पहले देखते हैं इसमें हमें कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। आइए, इस रेसिपी के लिए हम लेंगे 240 ग्राम्स ऑफ मैदा, मतलब रेगुलर आपका जो मैदा आता है ना, वो चाहे पैकेट वाला लो या लूज लो, इट विल वर्क। साथ ही साथ हम लेंगे 60 ग्राम्स ऑफ कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लावर। सो आइडियली तो हमें इसको कॉर्न स्टार्च बोलना चाहिए, बिकॉज कॉर्न फ्लावर मतलब मकई का आटा, बट इंडिया में हम कॉर्न स्टार्च को एक्चुअली कॉर्न फ्लावर बोलते हैं। तो जो आपका वाइट अरारूट का पाउडर जैसा दिखता है, उसी को, जो रेगुलर आपका कॉर्न स्टार्च है ना, यही कॉर्न फ्लावर जो आपको मिलता है, आपको यही लेना है 60 ग्राम। इसके साथ 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, साथ ही साथ 350 ग्राम इसमें कैस्टर शुगर लगेगी। तो कैस्टर शुगर बस आपको ये ध्यान रखना है, जो वो नमक जैसे दाने हो ना छोटे छोटे, वही चीनी। अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल चीनी को आप थोड़ा दरदरा पीस लोगे, दैट विल ऑल्सो वर्क। साथ ही साथ 110 ग्राम आपको रेगुलर बटर चाहिए। जब तक रेसिपी में बोला ना जाए कोल्ड बटर या कोल्ड इन्ग्रीडियंट, आपको अज्यूम करना है कि हर चीज़ रूम टेम्परेचर ही आपको लेना है। 4 eggs हम इसमें लेंगे, नॉर्मल रेगुलर 4 अंडे, 1 teaspoon ऑफ वनीला एसेंस, और साथ ही साथ 240 ml नॉर्मल दूध। आप चाहो फुल फैट लो या टोन लो, एनीथिंग विल वर्क। यही है वो ट्यूब पैन जिसके लिए हमने शुरू में वो मिक्सचर बनाया था, ताकि हम हमारा टिन प्रॉपरली लाइन कर सके। अब आप ही बताओ इसमें कहाँ पार्चमेंट पेपर लगाते रहेंगे। इवन आप चाहो तो ये रेसिपी को हम बर्न केक जो मोल्ड आते हैं, जो शेप डिफरेंट डिफरेंट वाले, उससे भी आप लाइन कर सकते हो। सो ये जो मिक्सचर है ना, ये मैजिक मिक्सचर है। ऑनेस्टली आप देखना, इतने प्यार से आपका केक रिलीज होगा ना इसके बाद, क्या बताऊँ। और अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप रेगुलर राउंड टिन में भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो आपको जेनरस क्वांटिटीज़ का लेना है, एंड यू जस्ट नीड टू ब्रश इट इवनली सारे टिन के अंदर इसको, ठीक है। अच्छा, टिन का क्या हिसाब है? टिन आप देखोगे आपके पास एल्यूमिनियम टिन भी है, एंड आपके पास ये ब्लैक वाले जो टिन आते हैं ये भी अवेलेबल है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो ना,
आप उसको यूज़ करो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इन केस अगर आप ये ब्लैक टिन यूज़ कर रहे हो, सो अगर रेसिपी बोल रही है कि हमको 170 डिग्री पे बेक करना है, तो हम क्या करेंगे, 10 डिग्री कम पे बेक करेंगे, मतलब इंस्टेड ऑफ 170 हम पूरी रेसिपी 160 पे बेक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो टिन है ये डार्क कलर टिन है, तो ये ज़्यादा हीट अब्सॉर्ब करता है, सो इसी वजह से ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। सो नहीं तो आप देखोगे कि आपका एज जो केक का है वो ज़्यादा ब्राउन हो गया है। सो इसी वजह से हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अगर आप डार्क कलर टिन्स यूज़ कर रहे हो, चाहे वो मफिन्स के लिए हो या केक के लिए हो, आपको 10 डिग्री टेम्परेचर उसमें रिड्यूस कर लेना है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान से नोट करो, हाँ मैं बहुत बढ़िया तरीके से इसको लाइन कर रही हूँ, कोई भी हिस्सा आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि फिर वहाँ अगर चिपका ना, वहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से पूरा मिक्सचर आप देखोगे कि इसी में लग जाएगा। सो मैंने यहाँ पे 10 ग्राम्स ऑफ मैदा, 10 ग्राम्स ऑफ ऑयल एंड 10 ग्राम्स ऑफ रूम टेम्परेचर बटर लिया है। अब आप पूछोगे प्रियंका अगर ये बच गया तो क्या करें, कुछ नहीं, आराम से इसको एक एयरटाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रख दो, फिर जब यूज़ करना हो तब इसको रूम टेम्परेचर पे निकालो, ये आराम से सॉफ्ट हो जाएगा एंड देन यू कैन यूज़ इट। आप देखो एजेस वेजेस सारे मैंने अच्छे से इसी से ग्रीस कर लिया है, बढ़िया है ना। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारी आज की अमेजिंग हॉट मिल्क केक की रेसिपी। तो अब हम हमारे अवन को 170 डिग्री के लिए प्रीहीट करेंगे, बट जस्ट बिकॉज मेरा जो टिन है वो डार्क कलर है, तो मैं 160 के लिए इसे प्रीहीट करूँगी। सो आई विल प्रीहीट इट फॉर 20 मिनट्स। मीनवाइल हम हमारे बैटर के टूवर्ड्स फोकस करते हैं। अब क्योंकि इस केक का नाम हॉट मिल्क केक है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा प्राइमरी एलिमेंट है वो है हॉट मिल्क बनाना। तो सिंपल टेक अ सॉस पैन, ठीक है, उसमें हम डाल देंगे जो हमारा ये रूम टेम्परेचर पे हमने मिल्क लिया है वो। आप चाहो तो फुल फैट यूज़ कर सकते हो, वेल यहाँ मैं टोन्ड मिल्क यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो मेरे घर पे अवेलेबल है मैं वो यूज़ कर रही हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उतना। अब इसी मिल्क में आई एम गोइंग टू ऐड इन द 112 ग्राम्स ऑफ बटर, ठीक है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको मीडियम हीट पे बॉईल करेंगे, ठीक है। सो आपको इसको तेज़ आंच पे करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे भी मीडियम हीट पे ही मैं इसे बॉईल कर रही हूँ, आप गैस में भी मीडियम फ्लेम पे ही इसको बॉईल करना। सो ये बहुत जल्दी फटाफट ये बॉईल हो जाएगा, इट वोंट टेक मच टाइम, ठीक है। एंड इस पूरे केक की ना ब्यूटी ही यही है कि वो हॉट मिल्क की वजह से आप देखना कि जो स्पंज है, जो आपका टी केक है, वो इतना सॉफ्ट बनता है एंड उसका फ्लेवर इतना बढ़िया आता है। सो आई थिंक द बटर और मिल्क इतना एक रिच फुल फैट, अब तो ये फुल फैट मिल्क बन ही चुका है इतने सारे बटर के साथ। अच्छा, कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे ना नॉर्मल पाउंड केक के कंपैरिजन में, ये केक के इंग्रेडिएंट सस्ते है बिकॉज इसमें कम बटर यूज़ हो रहा है। सो इसी वजह से ये केक वो ग्रेट डिप्रेशन में काफ़ी पॉपुलर हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के वक्त, क्योंकि ऐसे लोगों के पास सामान तो कम था ही ना, तो राशनिंग चल रही थी उसी वजह से, बट केक काफ़ी भाई उस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। एंड आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करोगे ना, मैं गारंटी ले रही हूँ ये आपका चाय का साथी एकदम परमानेंट बन जाएगा। एक्चुअली सारे रेसिपी बहुत बढ़िया है, बट होता है ना कोई इसके साथ एक स्पेशल मेमोरी है, सो दैट्स व्हाई। मिल्क और बटर का मिक्सचर आप देखो कितने बढ़िया तरीके से ये बॉयल हो गया है। सो जस्ट आप वेट करोगे कि एक वो पहला उबाल आए एंड देन विल जस्ट स्विच ऑफ द फ्लेम। सी, वो प्रॉपर बॉयल इसमें आ गया है एंड आई, ठीक है, आपका गर्मा गर्म हॉट मिल्क रेडी है। तो चलो फटाफट हम अपना बैटर बना लेते हैं, क्योंकि हमें इस दूध को ठंडा होने नहीं देना, हमें गर्मा गर्म दूध ही डालना है हमारे मिक्सचर पे। नेक्स्ट हम छान लेंगे जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब
जो रेगुलर मैदा वो। अच्छा आपको पता है यूजुअली अगर हम मैदा ऐसे छानते हैं ना तो वो बहुत स्पिल होता है, ठीक है, बट देयर इज़ अ हैक कहते हैं कि अगर आप मैदा ऐसे लो एंड गोल 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 ऐसे घुमाते रहो सो वो बिना स्पिल हुए सीधे आपके बोल में गिरता है। सो यू कैन सी इवन अगर मैं थोड़ा सा छोटा ग्लास भी लेती ना बहुत बढ़िया तरीके से दिस हैक वर्क्स, है ना, मज़ेदार हैक्स है। बेकिंग तो फुली फुल मज़ेदार है, ठीक है। अब देखो ट्रेडिशनल वे में कितना साइड में बिखरेगा, सो अभी मैं दिख रहा है इधर उधर ये फुल साइड में, इसीलिए वो वाला हैक ज़्यादा बेटर है। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च, मकई का आटा नहीं ले रहे, नॉर्मल कॉर्न स्टार्च ले रहे हैं। इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और मैंने आपको शुरू में भी बता ही दिया है, आप प्लीज़ इंग्रेडिएंट कट टू कट फॉलो कीजिए। एंड जब इतने प्यार से मैं बेकिंग सिखा रही हूँ तो एक वेइंग स्केल खरीद ही लो, कप्स में कहाँ एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। साथ ही साथ मैं डालूंगी 1 teaspoon ऑफ बेकिंग पाउडर, एंड बेकिंग पाउडर क्या होता है बताओ बताओ, इतनी बार बताया मैंने, बेकिंग पाउडर है केमिकल लेवनर। एंड बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से कैसे अलग है, बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा प्लस जो एसिड है वो ऑलरेडी एडेड है एंड अ ड्राई फॉर्म लाइक सिट्रिक एसिड या कुछ भी खट्टा, तो इवन इफ अगर रेसिपी में कुछ खट्टा नहीं है स्टिल ये हमको वो परफेक्ट रिएक्शन देगा और हमारा केक ब्यूटिफुली राइज करेगा, जैसे कि हमारे इस रेसिपी में कहाँ कुछ खट्टा है, बट ये तभी हम इस रेसिपी में बेकिंग सोडा नहीं यूज़ कर रहे, बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं। अब तीनों को हमने जैसे ही डाल दिया, जस्ट मेक श्योर आप तीनों को अच्छे से मिक्स कर लो ताकि आपका बेकिंग पाउडर कॉर्न स्टार्च एंड आपका जो मैदा है वो अच्छे से इवनली मिक्स हो जाए, ठीक है। So once it's properly mixed, I'm going to keep it aside. इसके बाद हम हमारा हैंड ब्लेंडर को प्रिपेयर कर रहे हैं। So आपको पता है हैंड ब्लेंडर जब भी आप कनेक्ट करते हो आप जस्ट ध्यान दो कि इसके जो ब्लेड्स है ये कैसे है एंड सिमिलरली अंदर जैसे सेक्शन है आपको वैसे ही इसको इंसर्ट करना है। मेक श्योर करो कि ये टाइटली अटैच है फिर ही आपका बेकिंग के लिए विस्किंग के लिए से शुरू करो। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मेरे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, वो क्या करते हैं इसको ना सीधा खींच के निकाल रहे होते हैं, क्या आप भी वो गलती करते हो? उसके लिए एक स्पेशल बटन है, तो जिस नॉब से आप स्पीड बढ़ा रहे हो ना वो एक्चुअली एक इजेक्ट का बटन भी है, तो अगर आप इसको दबाओगे देखा अपने आप ये ब्लेड्स नीचे खुल के आ जाएंगे। सो कभी भी अगर आपको आपके हैंड ब्लेंडर की लाइफ लंबी करनी है सो ज़बरदस्ती मत करना, प्यार से बटन दबाओ और ब्लेड्स निकालो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे जो हमारे एग्स थे, सो रूम टेम्परेचर एग्स 4 eggs यहाँ पे मैंने डाला, ठीक है। एंड अब हम इसको विस्क करेंगे जब तक ये फोमी ना हो जाए, मतलब झाग एकदम प्रॉपरली बन ना जाए। सो हमेशा जब भी आप हैंड विस्क यूज़ करो लोएस्ट स्पीड से शुरू करो, धीरे धीरे ग्रेजुअली स्पीड इंक्रीज करो। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट, इंक्रीज द स्पीड, ये कितने बढ़िया तरीके से फोमी हो गया। वंस इट बिकम्स फोमी नाउ वी विल स्टार्ट ग्रेजुअली एडिंग द शुगर। सो ऐसा नहीं है चीनी को 2 हिस्से में डालना है 3 हिस्से में डालना है, ज़रा ज़रा सा करके हम डालते रहेंगे एंड वी विल कीप ऑन मिक्सिंग इट, ठीक है। सो हैंड मिक्सर ऑन रहेगा, आप देखना मैं धीरे धीरे इसमें शुगर ऐड करती रहूँगी, ठीक है। स्विचिंग ऑन द हैंड मिक्सर,
अब आप देख सकते हो जो हमारा एग एंड शुगर का मिक्सचर है वो कितना लाइट और फ्लफी बन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। सो आपको इसको करीबन 2 मिनट के आसपास विस्क करना है, ठीक है। एंड वनीला एसेंस डालने के बाद हम अनदर 15 सेकेंड इसको विस्क करेंगे। अब हम इसमें ग्रेजुअली जो हमारा ये ड्राई इंग्रेडिएंट का मिक्सचर था, मतलब मैदा, कॉर्नस्टार्च और बेकिंग पाउडर, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। एंड एक बलून विस्क या स्पैचुला की मदद से आप इसे मिक्स कर सकते हो। सो आई एम टेकिंग अ सिंपल बलून विस्क हियर, कीपिंग इट रियली लाइट, ठीक है। आप चाहो तो इसको स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हो। अगेन आई एम गोइंग टू ऐड लिटिल बिट ऑफ फ्लावर एंड मिक्स इट। अब आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो इतनी मेहनत हमने की है ना, उसको आपको ख़राब नहीं करनी है। सो वंस दिस इज मिक्सड, आई एम गोइंग टू ऐड इन द लिटिल बिट ऑफ हॉट मिल्क। सो ऑलमोस्ट हाफ द क्वान्टिटी ऑफ हॉट मिल्क एंड mix the batter so that you get that perfect consistency and you will see wo lightness isme aayega. aapko over mix karke aapka jo batter hai usko tough nahi karna hai, just make sure karo ki aapka batter ekdam badhiya tarike se aap light handedly isko mix karo. aap dekhoge main isko over pressure nahi de rahi hu, bahut hi aaram aaram se I'm mixing it. एंड ये फुल बैटर आपका फुल ट्यूब केक के लिए एकदम परफेक्ट है। सो आई एम गोइंग टू ऐड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर मिक्सचर एंड मिक्स इट। एंड इसके बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट गर्मा गर्म दूध का है, दूध और बटर फुल फैट, उसको हम इसमें डाल देंगे। जैसे कि मैंने बोला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप फुल फैट मिल्क लो या टोन मिल्क लो, मैं वही यूज़ करती हूँ जो मेरे घर पे इजीली अवेलेबल है, जिसके लिए मुझे बाहर बार बार जाना ना पड़े, ठीक है। सो आई विल कीप इट असाइड एंड गिव अ नाइस मिक्स। एंड आप देखोगे दूसरे मिक्सचर के कंपैरेटिवली इसमें काफ़ी ज़्यादा मिल्क है, एंड वो मिल्क के वजह से ही वो एक्स्ट्रा रिचनेस इसमें आता है। एंड आप देखना इसका टेक्सचर इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल बनता है। वेरी सिंपल इंग्रेडिएंट, बट ज़रा सी हेयर फेयर इंग्रेडिएंट की इधर और उधर एक पूरी रेसिपी चेंज हो जाती है। सो यूजुअली काफ़ी लोग बोलते हैं ना, यूट्यूब की रेसिपीज़ बनती नहीं है, सही नहीं बनती है, वो इसलिए क्योंकि आप कप्स में फॉलो करते हो। तो अगर आप एक कप मैदा 6 बार मेजर करोगे, आप देखोगे 6 बार 6 वेट आते हैं, कभी 120 ग्राम आ रहा है, कभी 170 ग्राम आ रहा है। सो किस पे रिलाई करें, वेइंग स्केल पे रिलाई करो, चुपचाप एक वेइंग स्केल खरीदो। इसीलिए तो मैं वेइंग स्केल के हिसाब से मेजरिंग में सिखा रही हूँ, ताकि मेरा 80 ग्राम मैदा आपका 80 ग्राम मैदा हो, मेरा 30 ग्राम चीनी आपका भी 30 ग्राम चीनी है। सो कोई नकलीपन नहीं है, फुल ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं हम यहाँ, ठीक है। इसके बाद स्पैचुला से हम कट एंड फोल्ड मिक्स करेंगे। सी अवन भी प्री हीट हो गया। सो अब इसको हम बढ़ा देंगे इसका टाइमर टिल 50 मिनट्स, और फटाफट हम हमारे प्रिपेयर्ड टिन में इस बैटर को इमिडिएटली पोर करके अवन के अंदर बेक करने के लिए डाल देंगे। सो ये रहा हमारा प्रिपेयर्ड टिन। सो देखो ढंग से इसको लाइन किया है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, और ये बैटर काफ़ी लिक्विडी है, सो इसको आप अच्छे से पोर कर देंगे। बहुत भारी है यार ये बोल, आपको पता है ये बोल मैं बेकिंग करके एक कंपटीशन में एज अ
फर्स्ट प्राइज मेरे को ये बोल मैंने जीता था। सो ये 3 पीस का सेट है। सो वेरी वेरी स्ट्रांग, मतलब 450 लोगों के साथ कम्पीट किया था एंड वहाँ पे मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं जीतूँगी, बिकॉज मैं भी आप लोगों की तरह एकदम नई होम बेकर थी। बट मेरे फ्लेवर्स बहुत बढ़िया थे क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी, वही प्रैक्टिस कराने तो मैं आई हूँ, ताकि आप भी यूट्यूब चैनल से, जो हमारा यूट्यूब चैनल आपको पता है ना नाम क्या है, मास्टर शेफ प्रियंका कुंडू विश्वास, तो फटाफट चैनल के एक सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दो और वीडियो को लाइक कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, ताकि आप भी इतनी मज़ेदार मज़ेदार रेसिपीज़ बनाओ एंड फ्रेंड की, अपनी फैमिली, अपनी कज़न सबके साथ ये शेयर करो एंड फिर सब मिल के कम्पीट करो कि भाई किसका केक परफेक्ट बना है। ठीक है, तो उससे आपको आपकी गलतियाँ भी पता चलेंगी और सब मिल बैठ के डिस्टेंस में भी बेकिंग का मज़ा ले पाएंगे। सो जैसे ही हमारा ये बैटर टिन में पोर हो गया, यू विल सी द बैटर इज क्वाइट लिक्विडी, तो इसको बेक होने में टाइम लेता है। सो इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 55 मिनट्स के आसपास। ठीक है, तो इसको हम हमारे मिडिल रैक पे हम इसको डाल देंगे। ठीक है, एंड करीबन 55 मिनट्स के लिए इट विल टेक, तो हम 45 मिनट्स में जाके चेक करेंगे कि केक का हालत क्या है। एंड मैंने 160 पे इसलिए किया है क्योंकि मेरा जो टिन है वो डार्कर कलर का है, डार्क ग्रे। इफ़ यू आर यूजिंग एल्युमिनियम टिन, सो प्लीज़ यूज़ टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस ओनली। ठीक है, तो अभी हम करेंगे इंतज़ार और फिर देखेंगे कि हमारा केक कैसे बना। सो अब आफ्टर 50 मिनट्स हम देखते हैं हमारा केक बेल तो हो गया है। ओ माई गॉड, जस्ट लुक एट द केक, इट्स ऑल्सो डन। सो अवन के बेल के बाद केक जस्ट आउट ऑफ द अवन, जस्ट लुक एट इट, सो ब्यूटिफुल। सो इसको ना इमीडिएटली हम क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे। सो पहले आप एक इसके ऊपर ट्रे रखो एंड देन बहुत ही केयरफुली इसको आप फ्लिप करो। ठीक है, इसके बाद इसको इसी पोजीशन पे आप 15 मिनट रहने दो एंड फिर हम धीरे धीरे इसको रिलीज़ करेंगे। एंड 15 मिनट बाद आप देखो ये टिन से, ओ माय गॉड, केक एकदम 100% रिलीज़ हो गया है। सो इस केक टिन में ना आप देखोगे जो इसका सेंटर का ट्यूब है ना वो आपके एजेस से थोड़ा लंबा है, तो इससे क्या होता है जैसे आप इसे फ्लिप करते हो तो उस केक को ठंडे होने की जगह मिल जाती है। सो ताकि अच्छे से स्टीम रिलीज़ हो पाए। इवन यही टिन यूज़ होता है जब आप एंजल फूड केक बनाते हो, शिफॉन केक बनाते हो, उसके लिए भी। और आज हमने हमारा हॉट मिल्क केक भी इसी टिन में ही बनाया है। इवन यही हॉट मिल्क केक, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि थर्गुड मार्शल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 1991 से एक हिस्टोरिकल सोसाइटी का स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल होता है एंड ये केक हर साल आज की डेट में भी वहाँ बनाया जाता है। वेल, आज आपको तो मैंने अपना वर्जन ऑफ हॉट मिल्क केक सिखा दिया, चलिए इसको कट करके देखते हैं कि इसका टेक्स्चर कैसा है। कितना बढ़िया इसका टेक्स्चर है, जस्ट देखो भाई, उफ, मतलब इसका स्पॉन्जीनेस देखो भाई, ये देखो कितना सॉफ्ट है एकदम, एंड क्रम्स, जस्ट वाओ, दिस इज योर गो टू हॉट मिल्क केक रेसिपी। तो देखा कितनी परफेक्ट रेसिपी है ये हॉट मिल्क केक की, एंड आप जाओ इस रेसिपी को बनाओ एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर करो एंड फिर मिलेंगे एक बहुत ही अमेजिंग नए बेकिंग की पाठशाला के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए दिस इज योर बेकिंग मेंटर प्रियंका साइनिंग ऑफ एंड इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी पाठशाला की जर्नी जारी रहे एंड आप कुछ नए नए बेकिंग की रेसिपी सीखते रहे। तो फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बनाओ और खाओ।